हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का है, जो कि है हैंड एंड पावर टूल्स जर्नल गाइडलाइंस, जो से कि मैंने कल आपको हैंडलिंग ऑफ मशीन्स बताया था। तो मशीन्स के अंदर ही ये एक टॉपिक है, सेफ हैंडलिंग ऑफ मशीनरी मैंने बताया था। उसके बाद अब जो टॉपिक है वो है जर्नल टूल्स गाइडलाइन है, ठीक है ना। तो जर्नल टूल्स गाइडलाइन में क्या है, क्या रूल्स हैं, क्या कहते हैं, वो उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही रूल एक है कि एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय है वो, उसको वर्क परमिट इशू है तभी वो किसी भी जो भी इक्विपमेंट है, जो भी टूल है, उसको तभी वो हाथ लगा सकता है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई कि कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से वो सारी चीज़ें नहीं छू सकता। जब वो, उसको वर्क परमिट इशू हुआ है, वो उन टूल्स के साथ वर्क कर सकता है तो ही वो वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि हर किसी को टूल्स हैंडलिंग करना नहीं आता है। जब टूल्स हैंडलिंग करना आपको आता नहीं है तो आप कैसे उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। इन केस अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो वर्क परमिट तभी इशू होगा जब आप, जब भी कोई सेफ हैंडलिंग करने जा रहे हैं, कोई टूल को काम करने जा रहे हैं कोई टूल के साथ, तो आपको उसका वर्क आता है तो आपको परमिट इशू हो गया होगा, अदरवाइज़ कोई और उस वर्क पे नहीं जा सकता, ठीक है। हमें ध्यान रखना होता है जो भी ड्राफ्ट पेंस रहती हैं, वेजेस रहते हैं, है ना, जो नुकीली चीज़ें रहती हैं जिनसे हमें काम करना है, तो हम याद रखें कि काम होने के बाद उनको उनकी प्लेस पे मशरूम्ड हेड्स आते हैं, जो क्या रहते हैं, थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं और जिससे कि उसको कोई उठाए तो उसे चोट ना लगे, तो मशरूम हेड्स बोलते हैं उनको, तो उसमें अटैच करके उसे रखें, वो पहना के उसको, उस टूल को रखें, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि कोई भी टूल जो है उसमें कोई स्प्लिटर्स, मतलब क्रैक्स वगैरह ना आए, ठीक है। और उस टूल को ऐसे ऐसे जगह पे रखें जहाँ सबको पता हो, क्योंकि नेक्स्ट अगर किसी को काम करना हो उस टूल से तो उसे भी तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना। तो ये कुछ रूल्स रेजोल्यूशन है जिनको हम हैंडल, जब भी हम टूल से काम कर रहे हैं तो उसको हैंडलिंग करने के लिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेसिक टूल सेफ्टी में क्या रहेगा, हमें टूल जो भी है बेसिक टूल सेफ्टी के बारे में पहले बात करेंगे, ठीक है। तो पहले जो हम बेसिक टूल सेफ्टी के बारे में बोलेंगे वो है कीप इन गुड कंडीशन, उन्हें हमें गुड कंडीशन में रखना है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें तो हमें करनी ही, हमें ऑब्जर्व करना है, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये सारी गाइडलाइंस तो हैं ही, साथ में बेसिक गाइडलाइंस कुछ मैं देना चाहूँगी, ठीक है। जो भी काम आपको करना है आपको पता होना चाहिए इस काम को करने के लिए कौन सा टूल हमें यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि कोई और हथौड़े से काम है तो आप उधर पेचकस यूज़ कर रहे हो, या किसी और मशीन का काम है, किसी टूल का, कोई और टूल का काम है, आप किसी और से करो, तो हमें पता होना चाहिए राइट टूल यूज़ करना है, ठीक है। इंस्पेक्ट टूल्स, टूल्स का इंस्पेक्शन करा जाएगा कि कौन सा टूल किस कंडीशन में है, गुड कंडीशन में, बैड कंडीशन में, वर्क करने के टाइम पे कोई उसकी वजह से होने वाला एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। और ऑपरेट टूल, हमें टूल को ऑपरेट करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, कंस्ट्रक्शन टूल सेफ्टी रूल्स में क्या आता है, हमें हमारी सेफ्टी मेंटेन करनी है, हमें प्रॉपर गार्ड्स जो हैं उनको वेयर करना है, और प्लस पीपीज, गार्ड्स मतलब जैसे कि जो भी आप वेल्डिंग का काम कर रहे हैं या हॉट वर्क कर रहे हैं, कोई भी टूल से वर्क कर रहे हैं, वेल्डिंग टूल से वर्क कर रहे हैं, तो उससे लगने वाली आपको चोट जो है वो ना लगे, इसलिए हमें प्रॉपर अपनी सेफ्टी भी लेके चलनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, स्विचेस ऑन पावर टूल्स, क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक टूल्स रहते हैं जिनसे हम वर्क कर रहे होते हैं, तो जब हम काम कर रहे हैं तो उन्हें ऑन ऑफ कंट्रोलर हमें पता होना चाहिए, हम जब भी काम ख़त्म हो जाए तो उन्हें ऑफ करके अनप्लग करके रखें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। फिर हैंड टूल्स, जैसे कि हजार्ड हो रहा है उनसे, इम्प्रॉपर मेंटेनेंस है उनका, जैसे कि कोई काम आप कर रहे हैं जिस भी टूल से वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा, तो आप बताएं कि ये वाला टूल जो है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा। वैसे तो चेक कर लिया जाता है इंस्पेक्शन के दौरान, पर फिर भी इन केस आपको ऐसा लगता है तो आप सबको अवेयर करें, ये आपकी ड्यूटी बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे ऐसे हैंड पावर टूल्स की जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस जो हैं वो यही बताती हैं कि आप जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं उनको सेफ्टी के साथ तो आपको यूज़ करना ही है, साथ में आपको एक्सीडेंट से भी बचना है। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए हमने क्या किया, हम यही करेंगे कि जो भी एक्सीडेंट, जैसे हमें पता चला इस टूल को काम करने में ये खराबी आ रही है, जो चीज़ें हमने फेस करी वो कोई और फेस ना करे, तो हमने पहले उसे बता दिया, वार्न कर दिया कि ये चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेफ्टी रख सकते हैं, और टूल्स हैंडलिंग करने का सबसे बड़ा यही चीज़ है कि आप हर एक चीज़ उसे फॉलो करें, जो टूल आपको ऑपरेट करना आता है आप उसी को यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद आप जो भी टूल से काम कर रहे हो उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उस टूल की कंडीशन कैसी थी और वो इक्विपमेंट कैसा था, उसके रिस्पॉन्सिबल आप होते हैं, आपको ही उसका ख्याल रखना है, उस टूल का उसको वेल फर्निश्ड रखना है, मतलब
सही सलामत हालत में, ये किसकी ड्यूटी हुई? एम्प्लॉय की, क्योंकि जो भी काम कर रहा है उसको अपने औजारों का ख्याल तो रखना ही होगा ना। ऐसा तो नहीं काम हो गया और उसे फेंक दिया, उसको काम होने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से रख के उसका जो भी उसको अगर कोई नुकीला सामान है तो उसे मशरूम्ड हैड पहना के और उसको प्रॉपर स्टोर करके रखना होगा, है ना। तो ऐसा तो नहीं कि हमारा काम ख़त्म हो गया हमने उसको बस डाल दिया कहीं भी, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमको प्रॉपर वे में उसे रखना है, अच्छे से मेंटेन करके रखना है, और हमारी सेफ्टी जो है वो हम ही मेंटेन करेंगे, तभी सेफ्टी मेंटेन होगी, ठीक है। तो ये हैंड एंड पावर टूल्स के बारे में मैंने आपको जर्नल गाइडलाइंस दी कि हमें किस तरीके से कंडीशन उसकी अच्छे से रखनी है, हमें किस तरीके से जॉब करनी है, कैसे हम सेफ्टी रख सकते हैं, पीपीस पहन के काम करना है, हमें पॉजिटिव ऑन ऑफ कंट्रोलर पता होना चाहिए किधर है, अगर हम उसे काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक टूल है कोई तो उसे काम होने के बाद उसका स्विच ऑफ करना है, है ना, अनप्लग करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का तो है ये टॉपिक, पर टूल्स हैंडलिंग सभी जगह होता है, सभी को कोई ना कोई काम होते हैं टूल्स से, तो ये सभी का एक मेन, मतलब ये समझ लीजिए मेन टॉपिक ये होते हैं। कुछ कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स रहते हैं जो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है, तो ऐसा नहीं है ये कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ही काम आएगा, टूल्स तो हर जगह हैंडल करे जाएंगे ना, टूल्स के बिना कहीं काम नहीं हो सकता। तो ये वैसे तो आपका कॉमन टॉपिक है और टूल्स के बारे में ही बताया गया है, मशीन्स वगैरह जो भी हम अपने वर्कप्लेस पे यूज़ करते हैं उनकी सेफ्टी कैसे रखें, है ना। सो थैंक यू।